देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे जिस तरह का निज़ाम है, वहाँ पे जिस तरह की जुडिशियरी है, वहाँ पे जिस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सब जानते हैं। इस पे काफ़ी बात भी हो चुकी है और पाकिस्तानी आम जनता भी बहुत अच्छी तरीके से उन सबको समझ चुकी है। जी दूसरी बात यह है कि ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि अब वहाँ पे इलेक्शन मुश्किल होगा आने वाले समय में। जो इन्हीं ने बात की थी कि इलेक्शन होगा और नई गवर्नमेंट बनेगी, इस गवर्नमेंट का तो टर्म खत्म हो रहा है। और अगर पाकिस्तान में दूसरी बात यह भी है कि पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस हो नहीं पाते, इसलिए कि बहुत से आतंकवादी ग्रुप हैं, बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स भी वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं जी और होता यह है कि बाद में वायलेंस हो ही जाता है। पाकिस्तान की ये बिल्कुल हिस्ट्री रही है, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन ये पिछला रिकॉर्ड पाकिस्तान का यही रहा है। तो ये एक लंबी लड़ाई का दौर शुरू हुआ है। इनको जेल भेजा गया है, फिर उसके अलावा इनके 5 साल इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी, इनकी पार्टी के लोगों को पहले ही ना शहबाज शरीफ अरेस्ट कर चुके हैं सब।